हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो हमारा चल रहा है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज। और जो टॉपिक आज हम देखेंगे वो है नेशनल पार्क्स। ठीक है, इसमें से अब एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो हम सारे के सारे नेशनल पार्क्स को वन बाई वन देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, और ये भी जानेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, भारत में कितने नेशनल पार्क्स हैं, सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो ये 8th लेक्चर है, तो सबसे पहले बुक पढ़ते हैं। बुक में क्या दे रखा है नेशनल पार्क्स के बारे में, जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। नेशनल पार्क्स आर द नेचुरल एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट आर प्रिजर्व अलोंग विद द एनवायरमेंट। मतलब नेशनल पार्क्स ऐसे एरियाज होते हैं, पहली बात तो ये नेचुरल एरियाज होते हैं, मतलब नेचर के द्वारा प्रदत्त चीज है, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नेचुरल एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो रहने की जगह है उसको प्रिजर्व किया जाता है एनवायरनमेंट के साथ साथ। तो ये होते हैं नेशनल पार्क्स। यहाँ पर ग्रेजिंग पर कम्प्लीटली बैन होता है। ग्रेजिंग मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप पशुओं को ले गए, गाय भैंस को ले गए और चराने चले गए। तो यहाँ पर गाय भैंस को चराने पर पूरी तरह से बैन होता है। चराना मतलब ग्रेजिंग, आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोहिबिटेड टू कंडक्ट देयर प्राइवेट एक्टिविटीज इन नेशनल पार्क्स। यहाँ पर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जाकर अपनी कोई प्राइवेट एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ये भी यहाँ पर जनरली क्या होता है, बैन होता है। सम पार्ट्स ऑफ नेशनल पार्क्स कैन बी डेवलप टू प्रमोट टूरिज्म। अब नेशनल पार्क के कुछ हिस्सों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डेवलप कर सकते हैं ताकि जिससे यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, पर्यटन बढ़े। और पर्यटन बढ़ेगा तो आपको पता है पैसा आएगा, स्टेट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो नेशनल पार्क्स के कुछ भागों को हम टूरिज्म की तरह भी प्रमोट करते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट इनको देखने जाते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा फायदा होता है। और टूरिज्म आपको पता है सर्विस सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर में, ठीक है, जो टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर कहते हैं जिसको। ओके, देयर कंट्रोल मैनेजमेंट पॉलिसी मेकिंग इज डन बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, यहाँ पे जो इनका कंट्रोल किया जाता है, इनके यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है, इनसे रिलेटेड कुछ लॉज बनाए जाते हैं, नीति बनाई जाती है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है ना, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ कहाँ पर, इनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क्स, ये है आसाम में। गिर नेशनल पार्क, ये है गुजरात में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये है हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर नेशनल पार्क्स, ये है कर्नाटका में। सतपुड़ा नेशनल पार्क्स, ये है मध्य प्रदेश में। सुंदरबन नेशनल पार्क्स, ये है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में आपको पता है वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है, जहाँ पे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती हैं, वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा में ही क्या है, वहीं आसपास सुंदरबन नेशनल पार्क्स है। रणथंभौर नेशनल पार्क्स, ये अपन राजस्थान में ही है, ठीक है, सवाई माधोपुर में। केवला देव ही नहीं है, केवला देव है, ठीक है, बुक में गलत है। तो केवला देव नेशनल पार्क्स, ये राजस्थान अपने भरतपुर में है, ठीक है, जहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका उत्तरांचल या उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तरांचल का ही दूसरा नाम क्या है, उत्तराखंड। उत्तरांचल पुराना नाम है और इसका नया नाम है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में से बना था। अब एक एक करके सबको देखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क्स, ये है आसाम में, और यहाँ पर गैंडे बहुत पाए जाते हैं, राइनोसेरोस, वन हॉर्न राइनोसेरोस पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क्स, गिर मतलब गुजरात, जी जी गी, गिर मतलब कहाँ पे, गुजरात में। और यहाँ पे लॉइन पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉइन, ये बहुत फेमस है, लॉइन सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं भारत में, ध्यान रखना, और कहीं नहीं पाए जाते हैं, शेर जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो गिर नेशनल पार्क्स गुजरात में, लॉइन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क्स, तो ग्रेट हिमालय नाम से पता चल रहा है, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क्स। बांदीपुर नेशनल पार्क्स, ये कर्नाटका में, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पर टाइगर्स को रखा जाता है। टाइगर में देखो ऐसे स्ट्रिप्स भी पाई जाती हैं, धारियाँ पाई जाती हैं, ऐसे धारीदार चीज़ें होती हैं, ये धारी किस में नहीं पाई जाती, लॉइन में नहीं पाई जाती, ये शेर है, शेर देख लो, ठीक है, और ये है आपका टाइगर, अंतर पता होना चाहिए टाइगर और शेर में, ठीक है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटका में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क है माउंटेन, सॉरी मध्य प्रदेश में, और ध्यान देना सतपुड़ा माउंटेन का नाम भी है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, तो उसी के नाम पर है सतपुड़ा नेशनल पार्क। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, मतलब यहाँ पर टाइगर्स को भी रखा जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ पर व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, ध्यान देना सुंदरबन नेशनल पार्क में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, और ये है वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल।
रणथंभौर नेशनल पार्क से अपने राजस्थान में ही है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क ये है राजस्थान में, ठीक है ना। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान, इसको वर्ल्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड सेंचुरी, पक्षियों की नगरी बोला जाता है। ये अपने भरतपुर में है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत प्यारी जगह है। और यहाँ पे माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं, मतलब साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन आते हैं, और बहुत सारे वर्ड आते हैं विदेशों से यहाँ पर सर्दियों के सीजन में, ठीक है। और यहाँ पर रुक कर फिर चले जाते हैं वापस। तो ये यहाँ पर माइग्रेटरी वर्ड के लिए फेमस है। और इसको बनाने में साइंस में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, डॉक्टर सालिम अली, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे पक्षी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। तो ये भी ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ये हुआ हमारा, एक एक करके हमने सारे देख लिए। तो नोट्स फॉर्म में लिखना है तो ऐसे करके लिख देना कि नेशनल पार्क ऐसे एरियाज होते हैं, नेचुरल एरियाज, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ। इंडिया में 166 नेशनल पार्क्स हैं, 166। ये प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल एंड एनवायरनमेंट, इन सबको क्या दी जाती है? प्रोटेक्शन दी जाती है। ग्रेजिंग यहाँ पे, जो पशुओं को चराना पूरी तरह से बैन होता है। प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकती, एंटर नहीं कर सकती। यहाँ पे कुछ एरिया को टूरिज्म की तरह डेवलप कर दिया जाता है। इनका कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग सब किसके हाथ में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका ये जल्दी लर्न होगा, ठीक है। तो हमारे क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स, स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है लक्की एजुकेशन ऐप पर, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने बेहतर मार्क्स साइंस में अचीव करें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।